महाराष्ट्र की सियासत से यह खबर देखिए। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने एक बड़ा अजीब दावा किया है। उन्होंने एनसीपी में हुई टूट से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि आज भी अजीत पवार एनसीपी के सीनियर नेता हैं, जिन्होंने अलग स्टैंड लिया है। बस शरद पवार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के सरकार के साथ जाने के सवाल पर कहा कि एनसीपी का एक गुट सत्ता में है और इसमें विपक्ष में है, इसमें क्या समस्या हो सकती है, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। और पशुपति पारस से संबंधित यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें दिल्ली आवास के ऑफिस में लगे लैंडलाइन पर कॉल करके दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए पशुपति कुमार ने कहा कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उनको धमकी भरा फोन आया। धमकी देने वाले ने कॉल पर कहा कि हाजीपुर में देखे गए तो मार देंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन कोई भी ताकत उन्हें हाजीपुर से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। बता दें कि हाजीपुर की सीट को लेकर पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में ठनी हुई है। दोनों एनडीए में शामिल हो चुके हैं और हाजीपुर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से यह खबर, विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से मैदान में उतर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। खबर है कि एक दो दिन के अंदर नाम घोषित कर दिए जाएंगे, जिसमें 26 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में 39 कैंडिडेट्स के नाम तय कर दिए हैं। पुतिन से पंगा मत लेना, यमराज उठा ले जाएंगे, ये पूरी खबर कुछ ही देर में। लेकिन पहले जानिए गुंडा टैक्स पर सीएम योगी ने आज क्या कहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पीएम स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत 11,000 लोगों को चेक सौंपा। इस मौके पर सीएम योगी ने नई स्वनिधि योजना का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में पहले स्ट्रीट वेंडर्स से गुंडा टैक्स वसूली होती थी, लेकिन आज कोई हिम्मत नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ के गढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर स्ट्रोक चला है। सीएम शिवराज ने आज छिंदवाड़ा में पांडुर्ना को अलग जिला बनाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि पांडुर्ना, नंदनवाड़ी और सौंसर को मिलाकर नया जिला बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जामसांवली जिले में बन रहे हनुमान लोक की नींव भी रखी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए मैदान में अब पार्टी का सेवा दल उतरेगा। भोपाल के मानस भवन में आज कांग्रेस सेवा दल के सम्मेलन को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने सेवा दल के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने के लिए कहा। इस मौके पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने नारा दिया कि जहां सेवा दल मजबूत, वहां कांग्रेस मजबूत।